बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट तमाम दुनिया को, होल द वर्ल्ड इज ऑफर्ड बेस्ट विशेस, ग्रीटिंग्स फ्रॉम DNN दोस्त टर्मिनल लाहौर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यू मस्ट बी एंजॉयिंग एट लाहौर, इट्स वेरी सफोकेटेड वेदर। लेकिन इसके बावजूद हमने सोचा कि नहीं, हालात हाजरा का तकाजा है कि आपके साथ बराह रास्त लाइव, इस वक्त आप लाइव विद YJ के बयान के साथ भी हैं और दूसरे हमारे जो टेलीविजन के लिए रिकॉर्डिंग है वो भी जारी है। हमने मौसम को बालाए ताक रखा और आज हम आपको ग्रेट व्यूअर्स कोई 5 दहाइयों के ऊपर ही जो सियासत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की पैदाइश के फौरन बाद जमहूरियत का कत्ल और उसके बाद एक जर्नैल को, 7 फुटे जर्नैल खान जर्नैल को डैडी करने वाले भुट्टो से लेके आज तक की सियासत के रोशन सितारे, कप्तान के ऊपर बात होगी, शेर के ऊपर बात होगी और कौन कौन क्या कर रहा है, बढ़ते क्या थी, कहते क्या थे, किसको क्या कह रहे थे, क्या कहा और क्या किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नई हुकूमत जो है वो बनने जा रही है और उसके साथ ही आज़ादी का खूबसूरत दिन 14 अगस्त जो है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। खुशियां हैं, झंडे हैं, रौनकें हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान में इलेक्शनों की तारीख कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो 77 के इलेक्शन हो, वो उसके बाद के इलेक्शन हो या 2018 के हो, बस इलेक्शन होते रहे और लीडरान कुछ अंजाय करते रहे, कुछ रोते रहे, कुछ रोते धोते रहे और फिर कुछ जो जिसने जो कहा उसके बाद नजरिया जरूरत के तहत आंखें बंद कर ली और जिनको कहा गया उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने कहा ऐसे तो हाथे काम कराके। तो नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अयूब खान के माशाल्लाह, माशाल्लाह लग गया। हम बहुत छोटे थे लेकिन इतना होश है कि किसी फौजी जर्नैल ने मुल्क की में जमहूरियत का कत्ल कर दिया है, जमहूरियत का खून हो गया है, जमहूरियत के साथ क्या हुआ और जस्टिस मुनीर साहब के उस फैसले ने जमहूरियत के साथ क्या खेल खेला उसको भी आज नहीं डिस्कस करते। छोड़िए, हो गया, जिन्होंने जो किया वो दुनिया दारे फानी में से कूच कर गए और अपने नाम के साथ जो भी स्टिग्मा छोड़ गए वो तारीख से मिट नहीं सकता। लिहाजा भुट्टो साहब एक नौजवान वजीर थे, जो यंग जनरेशन है उसको थोड़ा सा याद दहानी करा दें, बाकी जितने जाले हैं, वतवाले हैं, सब अपने अपने लीडरों को पूज रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हम अक्सर मिन्नत तरला करते हैं कि भाई खुदा रख ख्याल रखिएगा, हम 5 दहाइयों के ऊपर जो मुहित सियासत है, हुकूमतें हैं कैसे गिरी, अरूज जवाल, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं और अभी हयात है, जारी है, सांसें आ रही हैं, आपको शेयर करवा रहे हैं, माजी के आईने भी आपको माजी का आईना दिखा रहे हैं, फ्यूचर तो अब वो कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान बनने जा रहा है। खुदा करे, हमारी दुआ यह है कि पाकिस्तान वही रहे जो कायद वाला है, लेकिन उसमें जो जो खामियां रह गई, जो जो उसमें हुक्मरानों ने डेंट डाले वो ख़त्म होने चाहिए। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात साथ हैं। आने वाली हुकूमत के मालिक ने अगर इंतखाब कर लिया है या मालिकों ने इंतखाब कर लिया है, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं। हो गया, जब सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला करने वाले, शोर शराबा करने वाले, जाली धांधली धांधला, इमरान खान साहब ने कहा पिछले 2013 के इंतखाब में धांधलियां हो गई, डब्बे खोलो, हुआ क्या? 5 साल रोते पीटते गुजर गए लेकिन मुल्क के ऊपर जो गुजरी वो गुजरी है कैसे कैसे, न जाने रात, सियासी रात, मुल्क का तो जो हाल हुआ वो हुआ, लेकिन थैंक्स गॉड अब 2018 के हुए, लेकिन शायद सियासतदानों को अकल आई या अकल दिला दी गई, उन्होंने सोचा कि एहतजाज भी करेंगे, अल्लाह गुला भी करेंगे, लेकिन फैसला ये किया है तमाम सियासी जमातों ने जो ये कह रही हैं कि हम जो कह रहे थे कि हम असेंबली में नहीं जाने देंगे, हम
हम अंदर नहीं घुसने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने सोचा वो छोड़ो जी चले ते ऐसे तनख्वाह के काम करने हैं जिनको। तो हम बात कर रहे थे कि जमहूरियत का कत्ल हुआ, अयूब खान साहब ने जाते जाते जमहूरियत का कत्ल तो हुआ ही हुआ, लेकिन जब उनको गलियों में घसीटा गया, उनके नाम से मंसूब एक पलीत जानवर को सड़कों पे घसीटा गया, गले में पटा डाल दिया गया, वो शख्स खुददार पठान था, उसने खुदा हाफिज़ का और उसकी यादगार जो तकरीर थी मैंने सुनी, लेकिन इंतहाई अफसोस है वो गया तो रुख्सत तो हो गया लेकिन जाते जाते फिर हम आसमान से गिरे और एक दूसरे जर्नैल के पता नहीं हम कहाँ गिर गए, माशरा लगा दिया गया, फौज आ गई और जनरल याहिया खान साहब ने दूसरे खान ने फिर जो कमाल किया, हम वो नौवा भी नहीं दोहराते, हम वो मरसिया भी नहीं दोहराते। क्या हुआ? लेकिन मुल्क बेयारों मददगार हो गया, उसने इलेक्शन करवाए लेकिन भुट्टो साहब ने जो कहा वो आज हम जरूर दोहराएंगे, क्योंकि हम एक ऐसे दोहराई पे खड़े हैं कि मुल्क की चूल्हे हिल के रह गई है। अब कप्तान आ रहा है, कप्तान के साथ जो टीम आ रही है उसके ऊपर हम आपसे बाद में बात करते हैं, इसी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इंतहाई दुख की बात है कि अयूब खान साहब जाते जाते हमें जिस तरह कोई जिन जाते जाते खौफनाक निशानी छोड़ जाता है, इस तरह अयूब खान साहब जाते जाते दूसरे खान को जो देखे गए, उन्होंने इलेक्शन तो कहते हैं कि बड़े कमाल पर आए, हम भी वहां मौजूद थे, इलेक्शन हुए, लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो उसके उन इलेक्शनों का रिजल्ट ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में मुजीब की हुकूमत बनती थी, लेकिन भुट्टो साहब अकड़ गए, उन्होंने कहा नहीं उधर तुम, पहले तो उन्होंने कहा था उधर तुम इधर हम, और उधर जाने वालों की टांगे तोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी के पुराने साथी जानते हैं, कोई गलत बात नहीं कह रहा, आज के बच्चे जो हैं उनको शायद बुरा लगे, गालियां दें, लेकिन नहीं बेटा ये एक तारीख है, उन्होंने ये अल्फाज कहीं किसी जंगल में नहीं कहते, और फिर तारीख ने साबित कर दिया कि उन्होंने उन इंतखाबात में जीतने वाली जो मुजीब रहमान की पार्टी थी उसको नहीं माना, मुजीब को गद्दार करार दे दिया गया, फलां हो गया, गद्दारी के सर्टिफिकेट और काफी के सर्टिफिकेट हमारी जेबों में है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन तारीख ने हमें बड़ा धचका, तारीख ने इतना हमें कचोके लगाए इन सियासतदानों ने, किसी ने इंतखाब ना माने, किसी ने माने, लेकिन ज़माने ने ऐसा हमें सबक सिखा दिया कि हमारा मुल्क जो है इनकी हठधर्मियों की वजह से दो टुकड़े हो गया। इंतखाब हुए, बंगालियों के साथ हमारे वो जो भाई थे उनको हुकूमत ना दी गई, फौज भेज दी गई, फौज हमारी वहां जाके दलदल में फंस गई, गलत फैसला था। कल परसों एक पोस्ट लगी हुई थी तो वो किताब मैंने खुद पढ़ी है, मैंने ढाका डूबते देखा, उस वक्त वो कर्नल थे, कर्नल सदीक सालक मरहूम, फिर वो इधर आके ब्रिगेडियर बने, वो आंखों देखा हाल मैं क्या बयान करूं, जब ढाका डूबा हम खुद डूब गए, हमने सब कुछ देखा, हमने वो दुख भरी दास्तान अब दोहराने का वक्त नहीं है, लेकिन ये बात बबांगे दोहल हम कहेंगे कि वो सियासतदानों और हठधर्मी थी और हम अपना मुल्क दे बैठे, मीडिया ने इंक्रोच किया, और यही मोदी जो कल कहते थे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, क्या करें, पड़ोसी के साथ इस तरह बिगाड़ी जा सकती है, उसको तो गद्दार कह दिया, वो शख्स जेल में है, लेकिन आज उसी मोदी के साथ आप कहते हैं ट्रेड करेंगे, उस पर भी बात होगी, मोदी कभी आगे इंडिया में भी इंतखाबात आ रहे हैं, उसने एक कटसी कॉल की है, अपना एम्बेसडर भेजा है, तो क्या आपने उसको वापस कर दिया, आपने क्या कहा नहीं वी डोंट वांट टू मीट यू, आप मिले हैं पड़ोस में रहना है, लेकिन ये गलत बात है कि कोई मैं मिलूं तो मैं गद्दार, आप मिले तो नजरिया जरूरत, इस पर भी बात होगी। तो मशरिक़ पाकिस्तान टूट गया, वो सानिया हमें हमारी नस्लों को भी तड़पाता रहेगा। चलिए छोड़िए, हम इससे आगे चलते हैं, 77 के इंतखाबात के भी हम जश्नवीर हुआ है। सुनिए, तमाम सुन लें, जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं और जो बड़े बीना लोग हैं, 77 के इंतखाबात में वो जुल्म गिरा कि उसमें जनाब डब्बे उठाए नहीं गए,
जो जान मोहम्मद अब्बासी साहब जमात इस्लामी के लीडर उठा लिए गए, तमाम लीडर उठा लिए गए शाम पांच बजे तमाम पोलिंग स्टेशनों से सब आवाम को भगा दिया गया था और एक कर्फ्यू का समा था, मार्शल्ला का समा था। रिजल्ट जब अनाउंस हुआ तो हर तरफ भुट्टो 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 था। फिर हम नहीं मानते, कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली और जिसकी अभी एक चिंगारी है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन हम कबूतर की तरह आंखें बंद रखते हैं। मैंने वो इंतखाबात देखे हैं और तमाम जो इस वक्त 60+ हैं उन्होंने वो इंतखाबात देखे और उसके बाद वो हौलनाकी देखी। बहुत समझाया भुट्टो साहब को, लेकिन लोग अपनी तमाम सब कुछ भूल जाते हैं, वतन की अजमत भूल जाते हैं, अपनी मैशत को भूल जाते हैं, क्या रखते हैं, इकतदार सामने रखते हैं। लेकिन नहीं, फौज लगा दी गई, FSF लगा दी गई, तमाम एजेंसियां लगा दी गई हर तरफ। क्यों जनाब, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप मेरा गरेबान पकड़ लीजिए। क्या लाहौर नहीं चल रहा था? क्या ईद मोहम्मद का सिनेमा नहीं चल रहा था? क्या निस्बत रोड नहीं चल रही थी? क्या रीगल चौक पे क्लासिक जो बुक शॉप थी वो ये कह के जला दी गई कि वो पता नहीं कादियानियों की है, किसकी है? अरे सारा मुल्क जल रहा था। लेकिन मैंने आंखों से देखा जनाब कि गोलियां चल रही हैं, सामने गोलियां चल रही हैं। नौजवान बच्चे आते थे, कलमा पढ़ते थे और गोली खाते थे और उनको बच्चे नौजवान को तहरीक नौजवानों ने टेक ओवर कर ली थी। वो शोला था, वो एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी थी, अगर कुछ कंप्रोमाइज कर लेते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। क्योंकि हम लाशें उठाते हैं, इलाज नहीं करते। भुट्टो साहब ने किसी की नहीं सुनी, उनको मान था फौज मेरे साथ है, उनको मान था एजेंसियां मेरे साथ हैं, उनको मान था मेरे साथ दुनिया मेरे साथ है। यकीनन वो बड़ा आदमी था, उसने काम बड़े किए थे, उसने इस्लामिक समिट करवाई थी, उसने शराब पे पाबंदी लगाई थी, उसने और सबसे बड़ा कारनामा कि उसके होते हुए पाकिस्तान को 73 का आईन मिला। यानी वो कितना बड़ा मोहसिन था, लेकिन वो तमाम जो उसकी खूबियां थी उसको बूटों के तले रौंद दिया गया, उसको ठुड्डे मारे गए, उसका बुरा हाल कर दिया गया, उसकी तमाम जो मुल्क के ऊपर मेहरबानियां थी वो मिलिया मेट कर दी गई। कौमी इत्तेहाद ने वो उधम मचाया, तमाम मुल्क जलना शुरू हो गया, आग लग गई, गलियों में आग थी, कोनों में आग थी, सड़कों में आग थी, इमारतें जल रही थी, मुल्क बिल्कुल टोटल क्लैप्स हो गया था, आग हर तरफ आग थी, खून की होली थी, क्या जुल्म हो गया। और फिर जब हाँ एक और बात चीज बात सुन ले, ये सब कहते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया, अरे नहीं यार, भुट्टो साहब तो दुनिया से चले गए, उनकी बेटी भी चली गई, उनके बच्चे चले गए, ये जो नहीं जानते सुन ले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उन हालात की तरफ ना बढ़ जाएं, खुदा ना खास्ता। ये छोटी सी चिंगारी सुलगती है, आग जो रुई को आग लगती है, कागज को आग लगती है, वो बिल्कुल मामूली सी होती है और फिर पूरे शहर जलना शुरू हो जाते हैं। जंगल में आग लगती है तो किसी तिनके को आग लगती है, फिर वो बस्तियों की तरफ दौड़ना शुरू हो जाती है। लिहाजा हमारे इसकी तरफ 77 के इलेक्शन के बाद जो हुआ, मुल्क 2 लख तो पहले हो चुका था, लेकिन उसने मुल्क की चूने नहीं, मुल्क की किर्चियां कर दी, मुल्क के कोने खतरे में सब हर चीज भस्म करके रख दी। इसलिए जो हठधर्मी थी, फौज को इंसानों के सामने खड़ा कर देगा, पुलिस को आवाम के सामने खड़ा कर देगा, अरे बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ा जुल्म हुआ मॉडल टाउन में, बड़ा जुल्म हुआ मॉडल टाउन में, सामने गोलियां मारी गई। आई कंडेम इट, मैं मुकम्मल कंडेम करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन हम मॉडल टाउन के साने को सिर्फ सियासी तौर का इस्तेमाल करते हैं। हम 12 मई कराची के साने को जिक्र भी नहीं करते। दिन दिहाड़े एक जर्नैल कमांड कर रहा था, मुशर्रफ साहब कह रहे थे ए तो फिर हुंदा है, दुनिया देख रही थी, खून हो रहा था, कहा नहीं हुआ, साहिवाल में गुलाब मार दिए गए, कराची में मार दिए गए, एक जर्नैल देख रहा था, अरे शेख रशीद साहब, चौधरी शुजात साहब,
कल की बात है, आप जनरल साहब के कमांडर्स थे और लाल मस्जिद का में बच्चों का खून हुआ, आप कहते हैं आप कुछ भी नहीं हुआ। ये सब की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सब हादसा की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक फरिश्ता सीरत इंसान हकीम सईद साहब को मार दिया गया, अरे निकालिए उसका खून, अरे उसके खून का हिसाब लीजिए, अरे कराची के 12 मई का हिसाब लीजिए, अरे 345 इंसानों के आगे मल्टीप्लाइड बाई 5 कितने हुए खानदान आपने कराची की फैक्ट्री में जला दिए। क्या हुआ इंक्वायरियां कमीशन? कुछ नहीं हुआ। पकड़े गए लोग, अमन हुआ कि नहीं? फौज स्लूट टू 21 करोड़ आवाम एंड हेड्स ऑफ टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये जिन्होंने मिलकर ये डिसीजन किया, और उनसे हिसाब मांगिए किन की हुकूमत थी, किस हुकूमत में कत्लो गारत हुई कराची में, किस हुकूमत में किन हुक्मरानों के सामने किन लोगों के सामने कराची लुटता रहा, कराची जलता रहा, लहरी में भत्ता गैंग माफिया लूट मार जुल्म हो गया। लेकिन सलाम पेश करता हूं जिन लोगों ने भी उसकी चिंगारी को, उस वहां के गुंडों को, वहां के भत्ताखोरों को, वहां के बदमाशों का सर रगड़ा, जमीन में रगड़ा, खाक में रगड़ा, नाक रगड़ा। हमारी उनके लिए दुआएं हैं और हमारी उनके लिए बलाएं हैं। और परवरदिगार कराची का अमन सलामत करने वालों, आपको अल्लाह ताला जजा दे, और खुदा करे ये जो अब गठजोड़ हो रहा है इसके बदले में कोई ऐसी डील ना हो जाए कि फिर हर चौथे दिन रहमान मलिक साहब भागे जाते थे, अल्ताफ भाई के पास जा रहे हैं, वो एक ही सूट में दौड़े फिरते थे। कहाँ रहमान मलिक साहब, आपको याद है अगर उस वक्त ये फैसला हो जाता तो कराची का इतना नुकसान ना होता। फिर PSP बना दी गई, वो किधर से आ गए? वो तो सबसे मेरे तमाम प्रोग्राम निकाल के देख लीजिए, रिव्यूअर्स मेरे तमाम प्रोग्राम, मैंने बांगे दोहर अल ऐलान कहा मैं नहीं मानता, मैं PSP क्या शह है, वो तो खुद उसने तो खुद वो तबाही का खुद बड़ा जिम्मेदार था कराची में। लुटिया डुबने लगती है तो फिर वजू शुरू कर देते हैं। कराची की दवाई में ये 5-10 लोग जो MQM के जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मासूम कारकुन जो खिलौना बने हुए थे वो आज भी जेलों में हैं, उन बेचारों को डरा दिया जाता था।
मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे एक बड़े ही जिम्मेदार आदमी ने मुझे कोई 10-15 साल पहले कहा कि कमिश्नर साहब आपको क्या बताएं, जब टेलीविजन पे टीवी के ऊपर अल्ताफ की तस्वीर आती है और मेरी बीवी पे जूते मारती है, लेकिन हम क्या करें, हमें मार दिया जाएगा, हमारी बच्चियां हैं, हमें जला दिया जाएगा। लेकिन फिर हमारे शेर जवानों ने, हमारे जर्नैलों ने, हमारे पाक फौज के क्लीन, नीट एंड क्लीन, जो धरने कराते वो नहीं, जो मरने कराते वो नहीं, जो मार्शल लगाते वो नहीं, ग्रेट पाक फौज माइनस आइन शिकर, उनको सलाम पेश करते हैं हम कि उन्होंने वो डांग सोटा किया। रेंजर्स को सलाम और तमाम एजेंसियों को सलाम, सिंध की पुलिस को सलाम, सिंध के तमाम जवानों को सलाम जिन्होंने अमन बहाल करने में अपनी जानों का नजराना दे दिया। फिर हम ये कहने से बिल्कुल ही चुकेंगे कि उसका सुखेल मियां मोहम्मद वाशिम थे, अल्लाह उनके ऊपर भी आसानियां पैदा करे। और अगर उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है तो मैं बिल्कुल अल ऐलान कह रहा हूं कि उनको हिसाब देना चाहिए, देना होगा। लेकिन 495 पनामा जो हैं, पनामा वाले जो छुपे फिरते हैं पजामों में, जो मुंह छुपाए फिरते हैं, जो आंख ओझल पहाड़ ओझल से हैं, चीफ जस्टिस साहब काम कर दिखाइए। अस्पताल में एक दिन दौरा बाद में कर लीजिए, अदालतों का निज़ाम भी दुरुस्त करना होगा। और ये इलेक्शन कमीशन को तो आपने खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन 5 बजे के बाद सोया हुआ था। सर इसकी तरफ भी आते हैं, आप ये गर्दने कलम करवा दीजिए, जर्नैलो सुन लो, आपको अगले जहान हिसाब देना होगा, गर्दने कलम करवा दीजिए, लेकिन इंसाफ का ख्याल रखिए। जो चोर उचक्के नैब में आ रहे हैं, घेरा डाल आप तंग कर रहे हैं, इनसे पैसे वसूल कीजिए। लंबी डेटें, लंबी तारीखें, आप माय लॉर्ड आप कंटेम्प्ट ना लग जाए मेरे ऊपर, माड़ा सा बंदा हूं लेकिन मैं इज्जत और एहतराम का बड़ा कायल हूं। तो माफी चाहता हूं, अब्बासी को, बेचारे अब्बासी को रात 11 बजे सजा दे दी, रात को दे दी आपने, दे दी ठीक है, तो रात को अदालतें लगाइए, बाकियों को भी सजा दीजिए बराए मेहरबानी, 24 घंटे अदालतें बिठा दीजिए। एक अब्बासी को रात को भेज दिया गया, भेज दीजिए, तो फिर यहां तो कई अब्बासी हैं, कई लाडले हैं, अदालतें 24 घंटा काम करें तो जराइम खत्म हो जाएंगे। अदालतों का हाल तो माय लॉर्ड आपके सामने है, हम दूसरे इदारों को बुरा कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने एक्शन लेना शुरू किया है तो बराह करम माय लॉर्ड, इलेक्शन में जो हुआ है जुल्म हुआ है, आपने खुद कह दिया है, हम नहीं कह रहे, हम डरते हुए कौन होते हैं, इसलिए कि जिन्होंने कहा धांधली हुई है वो तो असेंबली में जा रहे हैं, वो तो उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, हम कौन होते हैं। कप्तान ने 22 साल कष्ट काटा, वो क्या रुलता रहा, कैसे करता रहा, कैसे आया, कौन लेके आया, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो उसके इलेक्शन को मानिएट है वो तो खुद जा रहे हैं। आज एक वफद जो है माशाल्लाह सरदार अयाज सादिक साहब के घर गया है, बड़ी अच्छी बात है, शुजात साहब के घर गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। कल क्या कहा, डाकू कहा, जिन्होंने कहा, जिनको कहा, सब इकट्ठे हैं, आप कौन होते हैं जुम्मन जानना। तो बात बड़ी सीधी है, आइए सब मिलके पाकिस्तान के जो बिगड़े हुए हालात हैं उनको ठीक करें, जो कुछ हुआ भूल जाएं। खान साहब आपने हिम्मत की, आप कैसे आए, आप क्यों आए, आप कब आए, आ गए आपको मुबारक हो। बड़ी दिलचस्प बात है खान साहब कि आप कह रहे हैं कि मैं नौजवान क्यादत दूंगा, मैं नौजवान क्यादत, खान साहब नौजवान क्यादत का लफ्ज तो छोड़ दें, आप और हम तो खुद एक उम्र के हैं। जब आप कहते हैं कि नौजवान क्यादत तो असद उमर तो खुश हो जाते हैं, अली मोहम्मद साहब तो खुश हो जाते हैं और बख्श साहब तो खुश हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन का क्या बनेगा, ये तो बुरी बात है। कप्तान साहब इस तरह दिल ना तोड़ो, आपके साथ बड़े इन्होंने दिन गुजारे हैं। अब आप नौजवान क्यादत का जब जिक्र करते हैं तो ये जो 50 से ऊपर वाले हैं और आप खुद भी माशाल्लाह हमारे एज मेट हैं, बात तो ये है कि वीनरी लोग लाए, बात तो ये है कि इतना तो ख्याल रखें। मैंने मियां मोहम्मद वाशिम साहब से भी कहा कि वो पार्टियां नहीं पनप सकती,
वो इदारे जो अपने कारकुनों का ख्याल नहीं रखते, वो पार्टियां जो अपने ओरिजिनल जेन्युइन कारकुनों का ख्याल नहीं रखते, वो उनकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। खासा आप चेक कर लें, अगर आपके साथ खेलने वाले जिसने सेंचुरी बनाई हो उसका ख्याल नहीं रखा गया और जो जीरो पे ही आउट होता रहा और वो चम रहा, वो क्रिकेट भी खत्म हो गई। जिसने गोल पे गोल खड़काया और उसका ख्याल ना रखा गया और जो सफारशी बाप का बेटा हॉकी का कप्तान बन गया, हॉकी बैठ गई। खुदा रहा, आपको अल्लाह ताला ने ये अगर हुमा बिठा दी आपके सर पे, और जो तनकीद करने वाले हैं, जो कीड़े निकालने वाले हैं, वो तो असम्बलियों में जा रहे हैं, वहां वल्ला गुल्ला करेंगे, 5 साल रोना धोना, लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे कप्तान साहब यही गुजारिश करूंगा कि आपने भी अपने साथ, पहले तो ये है कि जरा दाएं पाएं नजर दें। मैं अक्सर सोचता हूं तो मुझे पिछली सफों में आपके कारकुन नजर आते हैं, मुझे पिछले बेंचों पे भी यहां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन नजर आते हैं मुझे। हाँ, एक बात बड़ी अच्छी लगती है, पीपल्स पार्टी में भुट्टो दुनिया से चला गया, लेकिन उसको आज जिस दो जनरेशन के बच्चों ने भुट्टो को नहीं देखा, अभी उसकी तस्वीर उठाया करते हैं। उसका जो कारकुन है वो हयात है। 15-20 आपने जो बिल्कुल लोटे ले लिए, जो भुट्टो के नहीं बन सके, जो बेनजीर शहीद के नहीं बन सके, जो कहते हैं मैं उनकी कब्र में चले जाएंगे। कप्तान साहब, आपके साथ जो करीबी कोर्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है हम कौन होते हैं, वो कौन है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए उनकी सीवी, देख लीजिए उनकी तारीख, उठा के देख लीजिए। मैं तो बल्कि आप बुराई ना मना जाए, मैं तो समझता हूं जी, मुझे जनरल मुशर्रफ साहब को मुबारक देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी पड़ेगी, इसलिए कि चौई शिराज साहब का असाबे काफ, उनकी टीम का हिस्सा, शेख रशीद साहब उनकी टीम का हिस्सा, उनके मिनिस्टर, और ये जो एक रोज आप बिठा देते आपके इतलाक के साहब हैं चौधरी, उनका इसमें ग्रामी है, वो तो चाहते थे उनके, वो फिर ऐसे ट्रैक करते 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 पीपल्स पार्टी आपके पास आ गए। आपके अपने बंदे कहाँ हैं? ये सारी मुशर्रफ की टीम, यही जुल्म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया, मशीरों ने कान में कुछ कहा, असल कारकुन पीछे रुल गए, या उन्होंने शहबाज शरीफ की सुनी, या उनका भतीजा राज कर रहा था और असल वजीर कबीर उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते, साल उनसे मुलाकात नहीं कर सकते थे। तो खान साहब, आपके पास तो सारी टीम, टॉप टीम, तमाम इंपोर्टेड, तमाम, और वो जनरल साहब के साथ थे। अभी आप चेक कर ले, चौई सरवर साहब, बरतानिया साहेब चहेते 25-30 साल मियाँ साहब के साथ बड़ी दोस्ती, छोड़ गए, गाड़ी छोड़ी, ठीक है, और आपके साथ हैं शाह महमूद कुरैश साहब, आपके साथ हैं जहांगीर तरीन साहब, डिक्लेयर्ड नाहिर डिक्लेयर्ड बाई ऑनरेबल कोर्ट, आपके साथ हैं, आपके सुखेर हैं चौधरी साहब, आपके साथ हैं, और बाबरवान साहब के बारे में तो मैं कुछ गुस्सा ही नहीं कर सकता, वो तो बड़े बहुत बड़े लॉयर हैं, उन्होंने तो करोड़ों रुपया अपने वकीलों को दे दिया पीपल्स पार्टी के, जब वो लॉ मिनिस्टर थे। सो आपके साथ जो टीम है वो जनरल साहब के लाडले, और अब पंजाब के जो स्पीकर होंगे चौई साहब निहायत शरीफ आदमी, आई कैटेगोरिकली से इट, बल्कि मैं उनका बेहद एहतराम करता हूं और वो भी हमारी इज्जत करते हैं। चौई साहब सारे ही बड़े धीमी सी तबीयत के मालकान हैं, लेकिन तो बड़ी उन्होंने तो अल ऐलान यानी निभाई थी कि हम वर्दी में जनरल साहब को 100 बार इलेक्ट करवाएंगे, आपके साथ हैं। आपने क्या कहा, उन्होंने अगर उनको कोई बुरा नहीं लगा तो हम कौन होते, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मेहरबानी फरमा के, जब आप ये कह रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कप्तान साहब, आप हलफ उठाएंगे उसके बाद आपको मुबारकबाद दी जाएगी, और जो कह रहे थे कि धांधली हुई है, डब्बे नहीं खुल रहे, ये नहीं हुए, वो चूंकि वहां जा रहे तो हम तो खुश हैं कि काम चलना चाहिए, मुल्क के और हम किसी और नुकसान के मुकम्मल नहीं हो सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड। हाँ, जो आपने कहा है वो आप कीजिए, कौम आपके साथ होगी, लेकिन इस पे एक शेर बड़ा खूबसूरत सुन लीजिए, द ग्रेट व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत शेर, अगर शेर में थोड़ी बहुत
हल्की फुल्की उसमें तरतीब में कमी हो, कमी बेशी हो, तो हमें माफ कर दिए। लेकिन जब लाया जाता है तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत शेर है, जब कोई अजरबी आता है उनकी महफिल में तो एक शम्मा जलाई जाती है, जब कोई अजरबी आता है उनकी महफिल में एक शम्मा जलाई जाती है, शम्मा जला के वो फौरन बुझा भी देते हैं, फिर धुएं के सिर्फ उंगली उठाई जाती है, कहते हैं वो आरे वाले से आशिकों की ये हालत बनाई जाती है, यहां ऐड कर दीजिए लीडरों की ये हालत बनाई जाती है, लाया बड़े तंत्राक से जाता है। और फिर जिस तरह वज़ीरे आज़म गए, द ग्रेट व्यूअर्स, हम प्रश्न कर रहे हैं कप्तान से, जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, जो मालिक को मंजूर हो, कल किसने देखा है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, और मेरा क्या कहना, हुमा उड़ती उड़ती बनी गाला के ऊपर घूम रही है, और अल्लाह ताला करम फरमाए, परवरदिगार मुल्क के ऊपर रहम फरमाए। हम कप्तान साहब की इस बात से हमें बड़ी हंसी आई कि उन्होंने कहा कि मैं जो पंजाब हाउस है उसकी चीफ मिनिस्टर एनेक्सी में रहूँगा, या जो एक सेपरेट चीफ मिनिस्टर का एरिया बनाया हुआ है, दैट्स गुड। लेकिन जनाब इमरान खान साहब, हमारी तजवीज़ भी सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आपकी नीयत पे शक नहीं है। ग्रेट व्यूअर्स, माज़रत चाहते हैं, फिर छोटा सा वक्फा, और एक वक्फे के बाद हाजिरी खिदमत हो रहे हैं। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स, हम ट्रांसमिशन में ब्रेक पे माजत खा हैं, अनअवॉइडेबल स्नैक आ गया था, थैंक्स गॉड वी आर अगेन विद यू, और आप पे दिलचस्पी से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और यकीनन आप एंजॉय कर रहे होंगे, तारीख से तारीख के और आग को पलटा जा रहा है, 50 साल जो हमारे मुल्क की तारीख है उसमें अरूज व ज़वाल के बारे में बात हो रही है, सियासी जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनके बुर्ज उल्टे हुए दिखाए गए, जिन्होंने मुल्क बनाया उनके बारे में बात हो रही है, जिन्होंने मुल्क तोड़ा उनको अब क्या कह सकते हैं, उनको तो कुदरत भी माफ़ नहीं करेगी, जिन हमूदुरमान कमीशन चीफ साहब माय लॉर्ड उसको भी ज़रा पढ़ दीजिएगा, उसको भी आम कर दीजिएगा, उसको नशर होना चाहिए ताकि चेहरे बेनकाब हों। तो माजी, लेट्स फॉरगेट पास्ट, लेकिन जो कौमें अपने माजी को भूल जाती हैं वो आगे नहीं बढ़ती, लिहाजा उसके ऊपर भी उनके असबाब का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या हुआ, उसको रेक्टिफाई होना चाहिए, वो उसकी रेक्टेंसी होनी चाहिए। लिहाजा बात हो रही थी कि कप्तान जो सुखेल हैं, जिन्होंने बड़ी सीटें जीती हैं, वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, अपोजिशन क्या करती है, कोई मोजा हो जाता है, कोई क्या होता है, लेकिन हम दुआगो हैं कि परवरदिगार अब हम किसी भी किस्म के हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी फर्दर डिजास्टर। ये बदपे अजीज जो है इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये बनाई बड़ी कुर्बानियों के साथ, इसके ऊपर बड़े जुल्म ढाए गए, इसके ऊपर बड़े तजर्बात किए गए, इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क और हम IMF के आगे कशकोल लेके खड़े हैं, हर हुक्मरान आता है कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन उससे भी बड़ा कर दिया जाता है। अब ये हुकूमत कह रही है जी कि हम कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे कहाँ गए, किस पे लग गए, कर्जा दर कर्जा, जो कर्जे की शराब पीते हैं डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आइए हम सब मिलके पांव पे खड़ा हों, 10 रुपए से डैम नहीं बनेगा, नेक नीति है, लेकिन जनाब जनाब चीफ जस्टिस, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तमाम हुक्मरान बाला, तमाम एजेंसियों के चीफ, गुजारिश यह है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़े, पैसा ही पैसा, जिससे हर जिसको हाथ डालते हैं कहते हैं जी इतने खरब इतने अरब,
भाई सैकड़ों वाली तो बात ही खत्म हो गई, हजारों वाली सर बात ही खत्म हो गई। बंदे आपके पास हैं, आपके पास औजार, आपके पास हैं, चीर पाड़ कीजिए और इनको बुलाइए, निकले ना दीजिए जब तक ये पैसे जमा ना कराएं। तो कैसे नहीं बनता डैम सर, ये 10 रुपए लोगों से आप ले रहे हैं, ये बेचारे दे देंगे, आप भी 10 लाख दे देंगे, फलां भी दे देगा। डैम इस तरह नहीं बनते जनाब, डैम इन डैम फूलों को पकड़िएगा, इनको रस्सा डालिएगा, इनको बेड़ियां डालिएगा, जो बाहर पैसा ले गए, जिनका यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन इतना भी खौफ हरास ना हो जाए कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो भी घुट घुट के मर जाए। कभी तो उसको भत्ताखोरों ने मार दिया और कभी उसको इंडस्ट्रियल जो लॉस हुआ उसको उसने मार दिया, लेकिन जो जायज, जो मेहनत मुशक्कत से करने वाले बिजनेसमैन है उनको प्रमोट कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, और जो फोर्स फेक डॉलर की कीमत बढ़ाने वाली वाली है या वाला है या वाले हैं, उनका बंदोबस्त कीजिए। और नैब और एजेंसियां जो हैं कोई खुदा का खौफ करें, वो अपने आप को अदालत मत समझें, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उन्होंने इंटरोगेट करना है, वो मेरिट पे केस बनाएं, आगे भेजें, अदालतों का काम है, छोड़ें बांधें, पैसे लें, लेकिन आप मेहनत करें। ये मुझे ये बात कहते हुए भी कोई आर महसूस नहीं हो रही कि गो मुशर्रफ साहब के दौर में नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, वो डंडा था, वो साबे काफ के लिए तराशने के लिए था, लेकिन जनरल ने पैसे बड़े निकलवाए, ये बात मानने वाली है कि उस दौर में पैसा बड़ा इकट्ठा किया, नो डाउट कि फिर लालच पड़ गया कि अब मैं ही रहूं, मैं चीफ भी रहूं, मैं फलां भी रहूं, बात चली गई, वो बाहर हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनके बड़े खड़पैंच जो हैं वो कप्तान के साथ डिसीजन लेने वाले लोगों में से हैं। चलिए तो कप्तान साहब आपने फैसला किया है कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, चलिए खुदा करे पुराने पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चलाया जाए और अकाउंटेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उड़ा के रख दिया जाए, जिस तरह चाइना ने कहा है, जो चाइना कर रहा है, जो टर्की कर रहा है, इसने जिस तरह सिंगापुर ने किया, हांगकांग ने किया, मलेशिया ने किया, आइए हम सब मिलके हम भी इस तरह करें। हम रिश्वतखोरों को बर्बाद करके रखते हैं, हम टैक्स इकट्ठा करें, टैक्स मुलाजम दे रहे हैं, बड़े दे ही नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे, और जो पैसा बाहर जा रहा है माड़ा बंदा तो डरते हुए भेज नहीं सकता, हम तो डरते बाहर से बच्चों से लीगल मंगाते हुए डरते हैं, ये कुर्बानी करनी है, इसके जवाब कौन, लिहाजा बड़े मगरमच्छ जो हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, उनको जनाब पकड़ा जाए, उनसे पैसे वसूल किए जाएं, और जिन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं, जनाब जनाब चीफ जस्टिस, जनाब नैब चीफ, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, DGMI, तमाम से हाथ बांध के गुजारिश है कि जनाब जिन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं उनको आप फिर उनके सर पे ताज रख रहे हैं, उनको हुकूमतें दे रहे हैं, उनको फिर हमारी चमड़ी नोचने के लिए, हमारे बाल नोचने के लिए, हमारा खून करने के लिए उनको फिर लगाया जा रहा है, उनको फिर किसी को वजीर बनाया जा रहा है, किसी को स्पीकर बनाया जा रहा है, किसी को कुछ बनाया जा रहा है, और कौम का कब्रिस्तान क्यों बनाया जा रहा है, जब पता है, जब लिस्ट पड़ी हुई है, जब सब बैंकों का रिकॉर्ड आपके पास चीफ साहब मौजूद है, तो फिर बैंक कोर्ट्स क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रहे, बुलाइए और इनसे पैसे निकलवाइए, इन्होंने अरबों नहीं, इन्होंने मुल्क डुबो दिया और फिर अब ये इनको दोबारा इक्तदार में हिस्सेदार बनाया जा रहा है, शराकत इक्तदार बनाया जा रहा है। किसी ने कहा जी कि हमने 9 अरब कर्जा माफ करवाया, किसी ने अरबों के हिसाब से कर्जा माफ करवाया, माय लॉर्ड 5 मरले का बेवा का घर गिरा दिया जाता है, एनडीए आ जाती है, एंटी करप्शन पटवारी को पकड़े आ जाता है, थानेदार को पकड़े आ जाता है, लेकिन अगर हाथ डाला भी डॉक्टर आसम कराची से अरबों रुपया दहशतगर्द फलां 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 बोल वाले जो चीफ हैं उनको पकड़ लिया, उनके ऊपर मलबे डाल दिए गए, लंबे डाल दिए गए, छोड़ दिया लाए, छोड़ दिया लाए, ये तजहीक है, ये तजलील है। अगर पकड़ा है तो छोड़ने वालों को फिर आप मत छोड़िए सर, बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के ऊपर। आपसे गुजारिश है, इल्तमास है कि मेहरबानी फरमा के नोटों का अंबार लग जाएगा, अंबार ढेर लग जाएंगे, हमारे डैम भी बनेंगे, हमारे हॉस्पिटल बनेंगे, हमारे बच्चे जो हैं उनको यूरोप की तरह वर्दियां मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, इदारे खूबसूरत होंगे। यहाँ तो हर पता चलता है कि आज बिजली आई थी कल नहीं आएगी, आज गैस है कल नहीं गैस होगी, ये क्या तमाशा है। मैंने कभी, आप भी जाते, पूरी दुनिया में कहीं बिजली इस तरह नहीं जाती,
पूरी दुनिया में गैस कहीं नहीं जाती, पूरी दुनिया में पानी समुंदर से भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, हमारे जितने अल्लाह ताला ने वसाइल तो किसी मुल्क को नहीं दिए। तो सर हाथ तेज कर दीजिए, दांत तेज कर दीजिए, आला तेज कर दीजिए, छुरे तेज कर दीजिए, लेकिन इंसाफ पे आपकी भी पूछ पड़ती बड़ी होनी है। ये पूछा जाएगा, सर माय लॉर्ड ये हिसाब होना है, ये इसका बड़ा बहुत सख्त हिसाब होना है कि हनीफ अब्बासी का फैसला रात 11 बजे सुना दिया जाए, 131 का हल्के का रोक दिया जाए, आपने क्या लेना देना है जनाब चीफ जस्टिस? माय लॉर्ड आपने कुछ नहीं लेना देना, आपको अल्लाह ताला ने बड़ा मर्तबा दे दिया है, आप इंसाफ का तराजू पकड़ लीजिए, कोई हारता है हार जाए, कोई जीतता है जीत जाए, ये दाग नहीं धुलेगा। जो भुट्टो को फांसी देने वाला बेंच था वो दुनिया से चला गया लेकिन स्टिग्मा छोड़ गया, उनकी उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। और अगर आप वो जो रेफरेंस पड़ा हुआ है उसको खोल के उसकी हेयरिंग कर देंगे तो फिर और ना जाने आप हुक्म सादर फरमाएंगे कि कब्रों पे भी ट्रायल किया जाए। तो जो आपके हाथ में है, जो आपके होते हुए हो रहा है, इसके ऊपर मेहरबानी फरमा के आपने साल के बाद, दो साल के बाद, किसने देखा है लंबा इकदार की उम्र बहुत छोटी होती। माय लॉर्ड आपको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ा रुतबा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लोगों ने बड़ी इज्जत कमाई और लोग रुल गए, लोग ख्वार होके गए। आप अदलिया को बहाल कराने वाले जो हैं वो रुल रहे हैं, उनको इंसाफ दीजिए। अदालतों के बाहर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़ दिए गए, क्या वो तोहीन नहीं थी? वो तो कानून की तोहीन थी। मुल्तान में जज साहब को मारा गया, गुजरांवाला में मारा गया, आप कंप्रोमाइज ना करें सर। मंसूर अली शाह साहब ने बेचारों ने हिम्मत की, उनका क्या कर दिया गया? जस्टिस शाह सदीकी साहब जो भी कह रहे हैं इंसाफ कीजिए। जज साहब हम आपको कौन, चीफ साहब हम आपको कहने वाले क्या होते हैं? हम कंटेम्प्ट, आप दो, आप कंटेम्प्ट वाला हथौड़ा छोड़ दीजिए, आप इंसाफ का तराजू पकड़ लीजिए। हजरत अली करमल्ला वजह के मुंह पे थूकने वाले उस यहूदी को छोड़ दिया गया। जनाब फैसल रजा आबदी की कैसेट सुन लीजिए, उससे बड़ी तौहीने अदालत नहीं, तौहीने शख्सियत है। क्यों आंखें बंद है? ये छोटी मोटी दरगुजर कीजिए, आपको अल्लाह ने बड़ा दिल दिया है, बड़ा रुतबा दिया है, आप माफी के दरवाजे खोल दीजिए लेकिन मुजरिमों को मत छोड़िए। और इलेक्शन कमीशन का फुल मक्कू ठप्पे, इलेक्शन, इस इलेक्शन ने बड़ी रुसवाई कराई है। 5 बजे 4 बजे तक लाइनें स्लो, लंबी बात हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम क्या कहें, आपको ज्यादा इल्म है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ज्यादा इल्म है। सारे गाय की दूध वाली जो भरी हुई बाल्टी है उसमें छींक डाल दी गई है। आप खुद फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सो रहा था, वो आरटीएस वो फ्रां सब बकवास है। चीफ साहब हिसाब किताब चुका दीजिए इनका, इन्होंने इलेक्शन गदला किया है, रुसवाई का बायस बने हैं। अगर इमरान ने जीतना था तो उसको कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने कई कई मोहरों ने अपना मुंह काला करवा लिया। इस पर भी ध्यान दीजिए और आप इंसाफ का तराजू थामे रखें और अदलिया में से जितनी काली भेड़े हैं जितना हो सके आप अपने जाने से पहले अदलिया में एक ऐसा झाड़ू फेर जाइए कि लोग आपको याद करें, ना कि ये इलेक्शन के रोने रोते रहें, ना कि ये लोग कहते रहें कि जनाब एक फैसला तो रात 11 बजे सुनाया गया और दूसरा दिन के 11 बजे भी रोक दिया जाता है, तो ये आपको तारीख याद रखेगी। लिहाजा बाकी पनामा केसेस जो हैं उनके ऊपर मेहरबानी फरमा के फुल हथौड़ा चला दीजिए, कौम आपके साथ है, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन आप कोई कंप्रोमाइज ना करें। आपको यकीनन लोग बुरा भी कह रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, लोगों ने सरदारुल अंबिया के ऊपर क्या क्या नहीं किया, लेकिन आप रहमतुल आलमीन थे, दुआ मांगी, ताइफ में जख्मी कर दिया, शदीद घायल, फरिश्ते आ गए कि आप हुक्म करें, आका दो जहानों के सरदार रहमतुल आलमीन आप हुक्म करें, हम बस्ती उल्टा के रख देंगे। लेकिन नहीं, आपने क्या कहा, कहने की मुझे क्या जरूरत है, आप चलिए हम और आप वो तो नहीं बन सकते, लेकिन बाकी छोटी मोटी दरगुजर कीजिए और फिर देखिए इंशाल्लाह वो तरक्की करेगा,
आप इलेक्शन के जो ये ट्रिब्यूनल्स हैं इनको कहें अर्जेंट फैसले करें, कोई जीतता है जीते, कोई हारता है हारे, और हुकूमतें बनने जा रही हैं, अल्लाह ताला करम फरमाए मुल्क के ऊपर। कप्तान साहब के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, मैं ये गुजारिश करूंगा, कप्तान साहब आपका फैसला बड़ा अच्छा है, आपकी नीयत बड़ी साफ है, लेकिन जरा ये गौर कर लीजिए कि जो जिन्होंने कर्जे माफ कराए क्या करेंगे आप, उनको साथ पिलाएंगे क्या करेंगे आप, जिन्होंने कराची में कत्लो गारत किया है वो आपके साथ है क्या करेंगे आप, रोज आपके असद उमर बेचारे भाग के जाएंगे कराची में उनको मनाने जाया करेंगे, रहमान मलक का तो बेचारे का यही काम था, सरदारी साहब ये कहते कहते लुट गए। जिन्होंने भी कंप्रोमाइज किया और कराची का जो इस वक्त अमन बेहतरीन है खुदा के लिए उस पर बहुत सारा ख्याल रखिए, कोई बात नहीं, चार पांच सीटों के ऊपर कुर्बानी दे दीजिए, लेकिन अगर वो आए हैं तो फिर ये बिल्कुल नो ब्लैकमेलिंग, उनकी इज्जत कीजिए, वो जीत के आए हैं, लेकिन ऐ नहीं होएगा कि हाँ वो जो चाहेंगे वो होगा, किसी चीज पे कंप्रोमाइज मत कीजिए। हाँ, कानून साजी का ख्याल रखिए, लॉ इन्फोर्समेंट का ख्याल रखिए, और आपने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर एनएक्सी में रहेंगे, कप्तान साहब क्या गुजारिश करूं, कप्तान साहब क्या आपके जो गुजरा हैं, आपके मशीन हैं, आपकी पूरी जो मशीनरी है वो मेट्रो पे सफर करेगी, वो ट्रेन पे सफर करेगी, गवर्नर चौहरी सरवर साहब सैकड़ों एकड़ पे मुहित गवर्नर हाउस को छोड़ के आपकी तरह किसी एनएक्सी में चले जाएंगे, गवर्नर हाउस में लाखों लीटर जो दूध की अयाशी होती है, वहां दुनिया के सबसे कीमती डेयरी फार्म है, वो एक अयाशी का, वो पलवानों का एक अड्डा है, आप उस पर ध्यान देंगे, आपके तमाम चीफ मिनिस्टर हाउस, आपके तमाम गवर्नर हाउस, आपके तमाम जो कमांडर्स हाउस हैं, उनका बेहतरीन मशरफ होना चाहिए, वो लोगों के लिए खोल दीजिए, टिकट लगा दीजिए, बैंकॉक में थाईलैंड में बादशाह के महल के ऊपर टिकट लगी हुई है, आम कर दीजिए, वजीर आजम हाउस में बच्चे जा रहे हों, जो आपको वोट देते हैं वो वजीर आजम हाउस नहीं जा सकते, जो आपको वोट देते हैं वो गवर्नर हाउस जा नहीं सकते, वो गवर्नर को मिल नहीं सकते, आज गवर्नर रजवाना साहब परसों साइकिल पे होंगे, चौहरी सरवर साहब रजाना बस से जाते सर, लंदन में मेट्रो पे, लंदन में ट्यूब स्टेशन पे घूमते, अब वही अयाशी होगी, वही प्रोटोकॉल होगा, वही टू टाउन होगी, वही गाड़ियां दौड़ेगी, करोड़ों लीटर पेट्रोल जल जाएगा, और आप कह रहे हैं सादगी, आपकी सादगी से क्या फर्क पड़ेगा, आप चीफ मिनिस्टर क्लेम में रहिए, एनएक्सी में रहिए, आपके वजीर ये लंबी लंबी लैंड क्रूजर गाड़ियां, ये लंबे लंबे करोड़ों रुपए की गाड़ियां, ये जहाज वाले इनका क्या करेंगे, ये बस पे जाएंगे, ये सुबह इनके बच्चे स्कूल मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन पे ये जाएंगे, ये जरा अपने गांव में बसों पे जाएंगे, लारियों पे जाएंगे, जिन छतों पे बच्चे ऊपर सफर करते हैं इनके बच्चे उन बसों के ऊपर सफर करेंगे, कप्तान साहब बड़ा औखा काम है, समय लग गई, अगर तो आप ये कर सकते हैं, आप तो इतने मजबूर हो गए कि आपने अपनी सीटों हुकूमत बनाने के लिए इनको साथ मिलाया, जिनको कोई अपने घर वाले भी साथ नहीं मिलाते, क्या कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं, आइए हम आपके लिए दुआगो हैं, और ये मुल्क तरक्की करे, ये स्टेबल हो, और हम फिर एक बार अक़वामे मुत्तहिदा में सर बुलंद फ्लैग के साथ खड़े हों, लोग हमारी इज्जत करें, हमारे दोस्तों जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे गुजारिश है, आई रिक्वेस्ट योर ऑनर सऊदी अरेबिया, मलेशिया, चाइना, ईरान, तमाम ममालिक से गुजारिश है कि हमारा हाथ बटाएं, क्योंकि जब आप पे उस्ताद पड़ेगी तो ये इस्लामिक एटम बम वाला मुल्क पीछे नहीं हटेगा, बहुत सारा ख्याल रखिए, ग्रेट व्यूअर्स, आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं, हमें हौसला होता है, इदारों की बेहतरी के लिए हम बात करते हैं, एंड पे प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले मैं बेहद ममनून हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इंतजामिया का, जिनको हमने फीडबैक दिया कि पीपल्स पार्टी की जो यूनियन जीती है, जीत के वेलफेयर की बजाय उधम मचा रखा है, इस्लामाबाद बेस पे बुरा हाल कर दिया, लाहौर बेस पे बुरा हाल कर दिया, यहाँ बेस इंचार्ज नजमा साहबा का जो ऑफिस है वो सीबीए के रिप्रेजेंटेटिव ने अपना अखाड़ा बनाया हुआ था, फ्लाइटें इंटरनेशनल खुद करते हैं, तमाम स्टेशनों पे यही हाल था, मैनेजमेंट को हमने जब जगाया तो उन्होंने बेहतरीन एक्शन लिया है, वो लेटर हमने पढ़ लिया है, वेल डन, हम ये नहीं कहते कि आप यूनियन खत्म कर दें, लेकिन यूनियन के जो यूनियनिस्ट हैं उन्होंने भी कमाल कर दिया कि तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे अपने चाचे मामे फुफियां भतीजे चढ़ाने शुरू कर दिए, हम उस पे प्रोग्राम इसलिए रोक रहे हैं कि इंजामिया ने सख्त एक्शन ऑलरेडी ले लिया है, वेल डन एडमिनिस्ट्रेशन, वेल डन इंजामिया,
पीआईए के सीओ, पीआईए के जनरल मैनेजर फ्लाइट सर्विस, जनरल मैनेजर पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज, तमाम इंतजामिया को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने नोटिस लिया है और तमाम स्टेशन को ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कोई एसओपी के खिलाफ बात नहीं होगी और सीधे सीधे काम करें। आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह अज़ीज़ बेहतर हालात पैदा करेगी और तमाम इदारे इंशाल्लाह अज़ीज़ दौड़ेंगे, भागेंगे, मुलाजमतें मिलेंगी, इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा मुल्क कर्जों के बोझ से भी निकल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पहले प्रोम तक अपने मेज़बान यकूब जावेद कमाना को इजाज़त दीजिए। बहुत सारा मुल्क का ख्याल रखना है, अपना तो हमने रखना है। और आइए मिल के दुआ करें कि 14 अगस्त खैरियत से गुजरे और दहशतगर्द तबाह बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।